घर में बहन बेटी हर कुछ खुश है, कोई परेशानी नहीं। पहले तो सूत्र मारी भैंस खुल जाएगी रहती, अब तो कुछ भी ना, अब तो आ जाओ दो कैसों में। एक बालक भी जाके ना थाने में बोलते क्या लल्ले पुलिस वाले, और पहले अप्रोच लगे करती नेताओं की। मुझे जनता बताएगी, बहुत से गाली बकते हैं योगी को मोदी को, ये सब कहने की बात है। 1-2 करोड़ लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हाथ ही निकल जाता कुत्ते भूखते रह जाते हैं, वही वाली बात है। किसको बता रहे हैं? हाथ ही मोदी योगी हमारे यार, योगी कुत्ता। हमारे गांव में बिजली का दिया ही नहीं, हम सोचो जाएगा बिजली आओगी। आज के डेट में 18-19 घंटे बिजली रहे, और बिजली जाने से पहले पता है कि 10 बजे बिजली जाएगी, तो 10 बज गए, शाम को 7 बज गए, 1 मिनट में बिजली आएगी। पहले ऐसा कोई था ही नहीं, खेतों में लाइट 8 घंटे है, हमने देखी अपने आंखों, देख रहे हैं यार आज भी। तो और क्या चाहिए हमें, सब कुछ ओके। मेरा मनीष। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जी। किस चीज़ में भाई? प्रॉपर्टी डीलिंग के। हाँ, प्रॉपर्टी डीलिंग जी। अच्छा, और किसको वोट जाएगा भाई? हमारा तो बीजेपी को जाएगा जी। वोट देते हैं भैया? हाँ जी बीजेपी को जाएगा। पिछली बार किसको दिए थे? बीजेपी को जा रही है हमारी। हमें पार्टी वही सही लगी शुरू से, उसकी पार्टी में एक तो गुंडागर्दी नहीं होती, बहु बेटी आज़ादी से घूम सकती हैं। पहले की सरकार देखी हमने, उसमें लूट मार बहुत, किसी की गोली लग रही, किसी कुछ हो रहा है, इसकी सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं है। विपक्षी पार्टी तो कह रहे हैं बहुत गुंडागर्दी है अभी तो। नहीं, विपक्षों का काम ही यही है कि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना। जनता से पूछे, जनता बताएगी। बहुत से गाली बकते हैं योगी को मोदी को, ये सब कहने की बात है। 1-2 करोड़ लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हाथ ही निकल जाता कुत्ते भोंकते रह जाते हैं, वही वाली बात है। बाकी किसको बता रहे हैं आप? हाथ ही मोदी जी होगे हमारे यार, योगी जी। कुत्ता किसको? जो विपक्षी, विपक्ष को मान लीजिए, हम तो साफ बोलेंगे मुंह पे। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग जो वोट देने जाते हैं तो 4-5 चेहरा होता है जिसमें मोदी जी आ गए, मोदी जी का चेहरा देखकर आप उत्तर प्रदेश में योगी जी को वोट देंगे या फिर योगी जी के कामों से आप खुश? नहीं नहीं, योगी जी के काम से भी खुश हम। काम से खुश हैं? हाँ। क्या काम उनका सबसे अच्छा लगा? सबसे अच्छा ये काम लगा कि उनके राज में गुंडागर्दी नहीं है बिल्कुल भी, जो भी है कोई सारे 2 नंबर के काम खत्म हो गए हैं लगभग। अभी तो हैं वैसे, ऐसी नहीं है कि नहीं है, हैं लेकिन लगभग के तरीके ख़त्म हो चुके हैं। सबसे बढ़िया इनकी कानूनगिरी बहुत अच्छी लगी। एनकाउंटर हो जाता है सर? हाँ जी, कि मैंने देखे काफ़ी सारे देखे वीडियो में भी। एनकाउंटर होना चाहिए डायरेक्ट, ये तो एनकाउंटर होना अच्छी बात है। अच्छा कैसे? अगर मैं आपके साथ हुआ मेरा एनकाउंटर होना चाहिए? उसमें क्या गलत हो रहा है? मतलब कोई गुंडा आके पब्लिक को छेड़ा वो ठीक है, उसका एनकाउंटर ना करें? क्या बात कर रहे हो तुम? मैं नहीं कह रही हूँ सर, ये तो विपक्षी पार्टी कह रही है। पक्ष और विपक्ष क्या भाड़ में है? पहले सुनो, योगी ने जो काम कराया या मोदी सरकार ने कर दिया, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये कोरोना में जो किया ना, कोई सी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अगर इसकी जगह कोई सी दूसरी गवर्नमेंट होती ना, इतनी पब्लिक मरती आप सोच भी नहीं पाते। ऑक्सीजन की कमी हुई थी किसकी? योगी जी के। पूरी तो कर ली, बाकी के बस की तो था भी ना कुछ। पहले था क्या? मर दो घाट में लाशें बह रही थी विपक्षी पार्टी। सुनिए, ये तो पूरे वर्ल्ड में हुआ, कौन सा भारत में अकेले में आया? यू या योगी ने इंजेक्शन मार के बीमारी दे दी या मोदी ने दे दी? ये तो पब्लिक वर्ल्ड लेवल की बात है, इसमें कौन सी बुरे मारने की बात है? हर जो योगी ने और मोदी ने कर दिया वो बाकी किसी के बस की नहीं करना। वैक्सीन ली सर आपने? हैं? वैक्सीन लिया ना? मैं तो अपना बहुत बढ़िया वैक्सीनेट हूँ, मुझे जरूरत ना वैक्सीन पर। आपने तुरंत ही बोला कि आपके लिए, एक मिनट, आपने तुरंत बोला कि योगी जी आपके फेवरेट है, उनका अच्छा काम, आपको काम अच्छा। वैक्सीन को छोड़ दो, पहले पहली गवर्नमेंट क्या करे करती, इसने कोई भी मुहूर्त करा, युवाया इनने इसका मुहूर्त छोड़ कर अपना नया कर दिया। इसका पैसा कहा माटी में, युवाया इनने मुहूर्त करा, इसका छोड़ कर मैं आ गया, बनने इसका खत्म करके नया शुरू कर दिया। योगी ने सिर्फ एक सबसे बढ़िया काम किया, चाहे सपा ने किया बसपा ने किया, जो भी उन्होंने काम किया उनको पूरा किया, उसने अपना कोई उद्घाटन नहीं किया है। वो भी चाहता तो इनके पैसे को, जैसे पब्लिक का पैसा था, बर्बाद कर सकता था, अपना नाम खड़ा करता, लेकिन उसने क्या कहा, पुराने जिन्होंने भी ओपनिंग किया सबको पूरा करो। तो ये काम है, बताओ और क्या चाहिए? और क्या, वो हमारे घर आकर हमारे भाषण बन जाएगा, ये काम करेगा। आप तो ये बता रहे हैं जैसे पहली की पार्टी थी उसमें बिल पास, हमें योगी चाह हर मोदी। सर सवाल तो सुन लीजिए, सर सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर। योगी सर सवाल सुन लीजिए मेरा, मैं ये कह रही हूँ कि आपने बोला पहली की पार्टी, पहली पार्टी जो थी वो करती थी, यानी उनके समय में लोकसभा में नेता, सवाल का जवाब नेता दे सके? सर आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, सर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं मुझे बस इतना बता दीजिए, आपने ये बोला कि पहले की जो पार्टी थी उसके समय में लोकसभा में बिल पास होता था, अब जो बिल पास हुआ है तो योगी जी के समय में ही तो वो चीज़ बनेगी, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पहले की सरकार नहीं बनी? मैडम यू सहारनपुर वाला रोड था, माम बुड्ढे होली है, यू लोग आवे तो पास करते, दूसरा आवे तो बंद कर जाता, पेट में दर्द हो जाता, देखो हमारे गाँव लोग ऐसे हवाई जहाज में बैठ कर जा रहे हो, आता पहले तो कोई ना गया, तो बताओ कैसे कह दूँ?
मैंने तो देखा भी नहीं आँखों तक। हमारे गांव में बिजली का दिया ही नहीं, हम सोचो जा करते बिजली आओगी, आज के डेट में 18-19 घंटे बिजली रहे, और बिजली जाने से पहले पता है कि 10 बजे बिजली जाएगी, तो 10 बज गए, शाम को 7 बज गए, 1 मिनट में बिजली आएगी, पहले ऐसा कोई था ही नहीं। खेतों में लाइट 8 घंटे है, हमने देखी अपने आँखों, देख रहे हैं यार आज भी, तो और क्या चाहिए हमें, सब कुछ ओके है, कोई घर में बहन बेटी हर कुछ खुश है, कोई परेशानी नहीं। पहले तो सोच रही हमारी भैंस खुल जाएगी रहती, अब तो कुछ भी ना, अब तो आजाद हो गए सो में, एक बाड़क भी जा गया ना थाने में, बोलते क्या ले ले पुलिस वाले, और पहले अप्रोच लगे करती नेताओं की। हाँ चलो मैडम, क्या नाम हुआ सर? हाँ जी, क्या नाम हुआ? सौरभ। क्या करते हैं? मैं, मेरा बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस? टैक्सी का, ट्रैवल का। कैसी चल रही है सबका? बढ़िया चल रहा है, पहले से मतलब बहुत कम ही है, मतलब हाँ अभी काम नहीं है कोविड में। तो प्रॉपर कहाँ से रहने वाले? मैं प्रॉपर वैसे मुजफ्फरनगर का हूँ। हाँ जी, मुजफ्फरनगर से मुझे याद आया, वहाँ पर किसान आंदोलन था कुछ दिनों पहले, क्या है मतलब, वो अपनी जगह सही है या फिर गलत? किसान अपनी जगह सही है, उसे वो अपने अपने हक के लिए लड़ रहा है। हाँ, लेकिन ये बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि वो खालिस्तानी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खालिस्तानी है तो फिर उन्हें दिल्ली में क्यों एंटर करने दिया? खालिस्तानी होते तो उन्हें भगाना चाहिए था ना, किले लाल किले के अंदर क्यों एंटर करने दिया? खालिस्तानी था तो किसान है, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है वो। हाँ जी, अच्छा किसकी सरकार आएगी इस बार? सतपाल सिंह यादव बनेंगे। अच्छा, हाँ ये तो कह रहे हैं कि योगी जी की? नहीं, योगी जी की सरकार नहीं आएगी। कह रहे हैं योगी की सरकार नहीं आएगी? नहीं, मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कह रहे नहीं आएगी, ये कह रहे हैं यादव बनेगा सीएम? विकास किया है उसने, काम किया उसने आज से 5 साल पहले। क्या विकास? विकास क्या विकास नहीं किया, मेट्रो उसने बनवाई, और यहाँ से दिल्ली से ग्रेटर नोएडा से और लखनऊ तक उसने हाईवे बनवाया, इतने बढ़िया बढ़िया रोड उसके टाइम में बने। मेट्रो नोएडा में लाने वाला वो सपा की सरकार थी, बताऊँ बीजेपी ने क्या काम कराया? ये तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवाया, 370 हटाया, नहीं बनवाया आज तक, कितने आए और कितने गए, सब चोरों की सरकार थी। अब बीजेपी की सबसे बढ़िया सरकार, उन्होंने ऐसे काम कर दिए, किसी पर होंगे भी नहीं और आगे कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते वे। ये तो अभी वो तो टाइम बताएगा, अब तो ये 22 बताएगी, 22 बताएगी। अखिलेश यादव का एक बढ़िया काम बता दीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा। ये पूरा मेट्रो जो नोएडा के अंदर जो मेट्रो है वो किसने बनवाया? अखिलेश यादव के टाइम में सरकार में ही तो मैडम ऑर्डर हुए थे इसके, और जो पूरा एलिवे जो बना है यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से और लखनऊ तक, वो किसने पास किया था? अखिलेश यादव ने तो पास करवाया था, वो बीजेपी सरकार ने करवाया था। कितने कहा उसने, कितना विकास नहीं किया? अभी लखनऊ को देखो, लखनऊ में किस किसने विकास करवाया? अखिलेश यादव ने का पूरा विकास है, सपा की सरकार का पूरा विकास है। हाँ जी, आपका वोट जो अखिलेश यादव जी को? बिल्कुल अखिलेश यादव को।